मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जितने दिन भी फांसी के रह गए तुम उसे यहां पर जी लो, हंसते बोलते जी लो। उनका डेथ वारंट निकल गया है, अब वो नहीं बचेंगे। कमाल, मैं कई जेलों में रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों कैदी देखे हैं, लेकिन तुम जैसा कैदी नहीं देखा जिसने 3 मर्डर किए हों और मैं कातिल नहीं बनना चाहता था। अक्सर कातिल यही कहते हैं। खैर, कल जेल सुपरिटेंडेंट साहब आएंगे और उनके साथ डॉक्टर भी आएगा आपका मुआयना करने के लिए। क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूं। इसका मतलब है कि तुम अब भी जीना चाहते हो? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाना, नहीं चाहूंगा मैं। कल तुमसे तुम्हारे घर वाले मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम जितनी देर चाहो उनसे बात कर सकते हो कि मैं इजाजत दे दूंगा। अम्मी, सदर साहब ने कमाल की आने वाली फांसी मुलतवी कर दी है। क्या, तुम्हें किसने बताया बेटा? ओ अम्मी, इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अच्छा, न्यूज में क्या बता रहे? अम्मी जान, खबर में ये बता रहे हैं कि सदर ने हमारी अपील करने पर 30 दिनों के लिए फांसी को रोक दिया है। अच्छा, मगर सिर्फ 30 दिनों के लिए? ओहो अम्मी जान, हम कोशिश कर सकते हैं, हमें एक नया मौका मिल गया है। हम इस फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम ना इससे ना दोनों फायदे उठाना, ठीक है? मिजान, वो कमीना जेलर हमें रोज रोज तो ऐसे मौके नहीं देगा ना। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जेल चलूंगी और बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है ना? जी। बस अब तुम ये मौका हाथ से मत जाने दे। हम पूरी कोशिश करेंगे, कमाल को कुछ नहीं होगा। बनती है, बनती है जी, बिल्कुल बनती है। ठाले, अरे उठा ले मेरी जान। जेलर साहब के कॉल? जी जेलर साहब,
हाँ हमें मालूम हो गया, हम बस निकल रहे हैं। जहे नसी, अब तो मेरी मिठाई पक्की हो गई है। जिलर साहब, वो तो आपको मुंह मांगे मिलती है ना। हाय, इस खुशी में तो मुझे ऐसी मिठाई चाहिए जो रगों में खून की तरह दौड़े और होंठों से मिठास निकले और जबान पर रस भर जाए। देखिए भाई साहब, हमारे हैं, फिर आकर आपसे बात करते हैं। ऐसी कड़वी बात सुनना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है जेलर साहब, हम एक दो घंटे में आ रहे हैं, आकर आपसे बात करते हैं। खुदा हाफिज। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। काट दिया साली ने, मैं भी देखता हूं कि कब तक भागती है मुझसे। देखो मेरी बात गौर से सुनो, इस बार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो खाल उदेड़ दूंगा मैं तेरी। नहीं होगी सर। हाँ ठीक है, जाओ तुम। मेरी तो समझ भी नहीं आता कि सदर साहब ने जालिम इंसान को माफ क्यों कर दिया। अम्मी, 30 दिन के लिए तो किया है। बेटा 30 दिन, ये 30 दिन कितने लंबे होते हैं तुम्हें पता है? अम्मी, वकील से क्या क्या अपील करेंगे, उनकी रिलीफ खत्म करा दो। बेटा बस सदर ने ऑर्डर कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी आप परेशान ना हो, हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के जरिए सदर तक बात पहुंचाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा अम्मी, सदर को नहीं पता कि उसने किस इंसान को माफ किया है? फिर वो इंसानी हुकूक वाले निकल आएंगे कि किसी बेगुनाह को फांसी ना दो। हाँ तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तू जा यहाँ से, ये जेलर जो है ना बहुत गंजा है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझे जी भर के बातें तो कर लेने दो, तुम्हें नई जिंदगी मिली है। क्या जिंदगी मिली? 30 तारीख तक का एक और इंतजार। इंशाल्लाह बेटा तुम देखना, हमें वक्त मिल गया है। इस वक्त की कौन सी मेहरबानी को याद करूं? हाँ कौन सी माँ? ये इंसानी हुकूक वालों को बस यही सोचता है, उनको हमारे दुख और दर्द नजर नहीं आते कि माओं के बेवाओं के दिलों में आग उगल रही है, मगर वो नहीं समझते इस बात को। बेटा एक बात कहूं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में भी पड़े हैं, मगर कोई कमी है तो घर में सिर्फ तुम्हारे बच्चे की। इसका मतलब ये हुआ माँ, मेरी जिंदगी से उम्मीदें उठा चुकी है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूं कि वो राफिया एक और आग में जले, उसे जो कोई भी मिलता है ना वो उसके सामने बददुआएं देती है। वैसे बेटा कुछ भी हो, हम तो प्रेस क्लब जाएंगे और जरूर करेंगे कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारी फरियाद तो कोई सुने ना। वो तो हर पल इस इंतजार में है कि कब तुझे फांसी लगे। माँ मुझे लगता है कि इसका इंतजार खत्म हो जाएगा। पर मैं ना उम्मीद नहीं हूं।
टीवी सब्सक्राइब करो।